अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत डिलीशियस एंड वेरी क्विक, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें दही चाहिए 4 टेबल स्पून, मायोनीज 4 टेबल स्पून, शुगर 4 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, खजूर 4 से 5, क्रश्ड मिक्स ड्राई फ्रूट चाहिए, आड़ू चाहिए 1 कप, नाशपाती चाहिए 1 कप, सेब 1 कप, खरबूजा 1 कप, केला 1 कप, और मिल्क पैक क्रीम 1 पैकेट, और 1/2 कप दूध चाहिए। अब जो जो फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मर्जी से, चॉइस से चेंज भी कर सकते हैं, जो जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। तो अब हमने एक बाउल में जो क्रीम 1 पैकेट ली थी, मिल्क पैक क्रीम, उसमें हमने मायोनीज ऐड कर दी, 1/2 कप मायोनीज हमने ली थी, 1/2 कप, और इसमें हम दही डाल देंगे 1/2 कप। और साथ में इसमें हम चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि इसका थोड़ा मिक्सचर रेडी हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए आपकी क्रीमी फ्रूट चाट का जो क्रीम का मिक्सचर है वो रेडी हो गया हमारे पास। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे सेब, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, खरबूजा, नाशपाती, आड़ू, आप कोई भी मौसमी फल यूज कर सकते हैं, केला, ड्राई फ्रूट, खजूरें मैंने काट के रखी हुई हैं। और अब हम इसमें क्रीम का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया है। और क्रीम फ्रूट चाट बनाने के लिए एक टिप जो मैं आपको बता दूँ, ये है कि हमने फ्रूट को क्रीम के साथ फोल्ड करना है, मिक्स नहीं करना कि हम इसको चम्मच की मदद से आप मिक्स करते जाने, ऐसे नहीं करना आपने। आपने इसको आराम से यूँ करके यूँ फोल्ड करना है ताकि वो फ्रूट क्रीम के साथ फोल्ड होकर बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है। अभी आप देखिएगा, यूँ आपने चम्मच को घुमा के इसको फोल्ड करके मिक्स करना है क्रीम को फ्रूट के साथ। देखें, ये हमारी क्रीम फ्रूट चाट रेडी हो गई है और हम टिश्यू से इसको क्लीन करेंगे और गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट के साथ। आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर सकते हैं, आमंड्स यूज़ कर सकते हैं, मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट क्रश किया हुआ है, तो इसके साथ इसको गार्निश कर देंगे। क्रीमी फ्रूट चाट हमारे पास रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।